रोहित शर्मा का हो जाता है चलान और फैंस भी इस पर रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर चलान हुआ कैसे था। तो देखिए, रोहित शर्मा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर काफी तेजी से गाड़ी चला रहे थे और ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रोहित शर्मा की गाड़ी की स्पीड 200 थी और ये अपनी गाड़ी की स्पीड 215 तक भी लेके गए। रोहित शर्मा ने ऐसा किया था तो चलान तो होना ही था, इसलिए इनको ओवर स्पीडिंग के 3-3 चलान मिले। रोहित शर्मा महाराष्ट्र के एमसी स्टेडियम में जा रहे थे जहां पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच खेला जाना है और इनके पास अपनी पर्सनल कार लैम्बोर्गिनी थी। और ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर आप 100 से ज्यादा स्पीड में व्हीकल नहीं चला सकते, लेकिन रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट यहां पर भी 200 था। रोहित शर्मा के फैंस भी इस पर रिएक्ट करते हैं। एक यूजर ने लिखा, 200 के बहुत बड़े फैन है अपने हिटमैन। वही एक यूजर ने लिखा, ये वही है जो ऋषभ पंत को गाड़ी धीरे और स्लो चलाने की एडवाइस देता था। स्ट्राइक रेट नहीं है रोहित भाई, वो गाड़ी की स्पीड है। भाई का 200 से नाता ही ऐसा है, चाहे वो रोड पर हो या ग्राउंड पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।